अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपदा परवीन व्लॉग्स गाइस। आज मैं हूं ताना चावल ही खिला खिला के बस चावल पकाना सिखा रही हूँ। आज पुलाव, चिकन पुलाव है, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, जो आपका दिल करता है। अफोर्डेबिलिटी की बात है तो मैंने आज चिकन पुलाव बनाया है, बनाना है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो चिकन डाला और पानी लिया, चिकन डाला, उसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के ना आपने, तो फिर आपने इसकी यखनी बनानी है। और खड़े मसाले हैं, नमक है, काली मिर्ची है, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के, तो ये हमारी पुलाव के लिए जो यखनी बन रही है ना, ये उसकी चीज़ें हैं। हमने वो बनाए दादी वाले स्टाइल में, बना लें नानी वाले स्टाइल में, जैसे स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो बनाएं, लेकिन मज़े की बनती है, दिल से बनाएं जी जनाब। ये हमारे चावलों के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलो जी चावल बनाते हैं। पहले रखते हैं देगचा, उसमें ऑयल डाला और प्याज डाल के हम इसको भुनेंगे। हाय थक जाते हैं सच्ची, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। जरा आप लोग भी बताओ ना, आप लोगों के इलाके में कितनी कितनी गर्मी है घरों में। ये देखें इस स्टेज पे हमने इसको, इसमें पानी डाला, पानी डाल के तो अब हम बाकी स्पाइसेस इसमें डाल के तो सारी खापी मुका देंगे। ये देखो जी सारा कुछ डाल दिया जनाब, कड़ी पत्ता, आलू बुखारे इसमें हैं जनाब, नमक है और सुर्ख मिर्चे हैं, काली मिर्चे हैं, जीरा है, खुश्क धनिया है, उसका पाउडर है, ये सारा कुछ डाल के, तो ये देखो इसको कवर कर दिया। कवर करके तो इस तरह का टेक्सचर बन गया इसका, वाओ बहुत ही मज़े। अच्छा टमाटर तो मैं भूल ही गई, टमाटर जो हमने किए हुए थे वो भी डाले थे इसमें, सही है। डाल के तो फिर अब ये जो चिकन हमारा यखनी से हमने निकाला हुआ था वो डाला, वो डाल के तो इसको अच्छे से भून लें। भून के तो फिर हम इसमें डाल देंगे जनाब जी जो यखनी हमारी है, वो चावलों के हिसाब से, वो तो आप सारों को पता ही है, वो डालें। 4 गिलास है अगर आपके चावल, तो 7 गिलास उसमें डाल लें पानी। आया देखो जी थोड़ा सा ना मेरा वो आँच ज़्यादा होने की वजह से लग गया था, तो फिर मैंने इसको हिलाया तो सही हो गया। ठीक है, पानी डालें और आपने इसमें सिरका भी डालना है ताकि चावल अच्छे से पके। सच्ची मेरे चावल इस वक्त, इस दफ़ा नहीं सही आए तो वो मुझे तसल्ली नहीं होती। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे जनाब जी, बंद कर देंगे। अब हम इसको बंद करके तो रख देंगे ना, अंदर ये सारा मटेरियल जो है आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करता रहे जनाब, सड़ता पुझता रहे। सही है, ये देखो जी ये इस तरह हो गया, उबाल ही लाया भाई, इनकी तो लड़ाइयाँ ही मोदी लग गई हैं जी। हो गया, फिर हमने इसमें चावल डाल दिए, चावल डाल के तो हम इसको हिलाएंगे और हम इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। सही है, फिर कवर कर दिया और कवर करके तो फिर हम देखेंगे ये। नहीं भाई इत्तफाक बड़ा अच्छा हुआ है जी, लड़ाई झगड़ों का है, तो ये देखो कितने मज़े के राइस बन गए जनाब। बनाएं आप लोग भी, खाएं और इंजॉय करें। हमने सच्ची जो चीज़ भी मैं बनाती हूँ ना, वो मैं दिल से बनाती हूँ और दिल से ही खाती हूँ, है ना। हालांकि मेरा दिल करता आप लोगों को भी साथ शेयर करूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मेरा दिल, मतलब ज्यादा नहीं खाती मैं, बस 2-4 प्लेटें ही खाती हूँ, आपके बगैर मुझे खाया नहीं जाता ना, है ना। चलो जनाब जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जनाब वीडियोस मेरी देखते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी कहें ना, रिश्तेदारों को भी, सारों को कहें कि मैं आपदा परवीन ब्लॉग्स को जो है वो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।